आईपॉड के लॉन्च ने दुनिया की म्यूजिक इंडस्ट्री पूरी तरह से चेंज करके रख दी। इसने लोगों को म्यूजिक सुनने का एक नया तरीका दिया और वहीं एप्पल को इसने दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बना दिया। पूरी दुनिया में आईपॉड 2001 से करीब 40 करोड़ यूजर्स ने खरीदा और वहीं करीब 35 बिलियन गाने यहां पे खरीदे गए पूरी दुनिया में। ये एप्पल ने म्यूजिक इंडस्ट्री को पूरी तरह से चेंज करने का काम किया। तो जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला गैजेट आईपॉड था, आज के डेट में उसे कोई नहीं खरीदा करता है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे आईपॉड मार्केट से बाहर हो गया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। अभी तक हमने बात किया कि कोई भी नई कंपनी आती है और वो उस पुरानी कंपनी को मार्केट से बाहर कर देती है, लेकिन इस वीडियो में आप जानोगे कि आपका ही खुद का नया इन्वेंशन आपके पुराने प्रोडक्ट को कैसे रिप्लेस कर देता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। This amazing little device holds a thousand songs. It's the iPod, and it's an MP3 player that can store basically it's 1,000 songs. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल। और तो दोस्तों साल 1999 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था यूएस की म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि नए नए गाने आते जा रहे थे और लोग काफी इंटरेस्ट लेने लगे थे गैजेट्स के थ्रू म्यूजिक का। उस समय म्यूजिक सुनने का जो सबसे अच्छा तरीका था वो सीडीज लगा के लोग गाना सुना करते थे और 80% से ज्यादा लोग इस समय सीडीज पर डिपेंडेंट थे। उस समय पूरे यूएस में करीब 40% लोगों के घर में कंप्यूटर आ चुका था और इंटरनेट बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था, तो नए नए गाने का एक्सपीरियंस लोगों के साथ बढ़ता जा रहा था यहाँ पे। उसी समय में अगर हम बात करें तो सीडी यूज करने से कुछ लिमिटेशंस भी थी, जैसे कि ये काफी बड़ा हुआ करता था, इसमें आप कुछ अमाउंट ऑफ गाने ही रख सकते हैं, आपकी एक बहुत बड़ी प्लेलिस्ट नहीं होगी। तो ये एक बड़ा गैप मार्केट में अभी बचा हुआ था। एप्पल को यहीं पे एक बहुत बड़ा मौका दिखाई दिया। उन्होंने देखा म्यूजिक इंडस्ट्री अपने बूम पे है, लोगों को म्यूजिक का काफी शौक है, तो कोई एक ऐसा डिवाइस हो जो बहुत छोटा हो और बहुत इजी हो लोगों को यूज करने के लिए और जिसमें बहुत सारे गाने लोड किए जा सके। तो एप्पल इसका कोई तरीका ढूंढ रहा था। फिर एक बार एप्पल के हेड ऑफ हार्डवेयर जॉन रुबिनस्टन टोक्यो जाते हैं एक मैक्रो वर्ल्ड एक्सपो देखने, और वहां पे उन्होंने तोशिबा का एक नया डिवाइस देखा। ये एक 1.8 इंच का हार्ड ड्राइव था जो काफी छोटा था और उसमें एक बड़ी स्टोरेज थी और ये पोर्टेबल भी था, और बस यहीं से एप्पल को आइडिया आ चुका था कि एग्जैक्टली उसे क्या बनाना है। और उसी के कुछ टाइम बाद 23 अक्टूबर 2001 को एप्पल ने एक बड़ा इवेंट किया और उन्होंने पहला आईपॉड मार्केट में लॉन्च किया। This amazing little device holds a thousand songs. And it goes right in my pocket. इस नए आईपॉड में करीब 5 GB का स्टोरेज था और 100 गाने आप उसमें स्टोर कर सकते थे। दोस्तों आज की डेट में तो बड़ा ही मजाक सब बात लगता है कि 100 गाने तो हम छोटे से किसी डिवाइस में रख सकते हैं, लेकिन उस समय के लिए एक बड़ी बात थी और इसका प्राइस भी काफी ज्यादा था। ये करीब उस समय की अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो 18,000 रुपए का इसका प्राइस था। एप्पल ने मार्केट में एक यहाँ पे नया ऑप्शन दे दिया था। आईपॉड बहुत छोटा एक डिवाइस था, इसमें मल्टीपल गाने स्टोर किए जा सकते थे और ये सीडी का एक रिप्लेसमेंट की तरह मार्केट में लॉन्च हुआ था, जो कि एक काफी अच्छा ऑप्शन था। स्टीव जॉब्स ने इस डिवाइस में सबसे ज्यादा ध्यान रखा था कि ये कितना इजी टू यूज हो, तो इसमें स्क्रॉलिंग का फीचर दिया था आपको गाने के लिए। मार्केट में इसके दो तरह के रिस्पॉन्स थे। कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है मार्केट के लिए, और कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे स्टीव जॉब्स ने एक सर्टेन सेट ऑफ सोसाइटी के लिए बनाया है, मतलब जिनके पास बहुत पैसे हैं वो आईपॉड यूज कर सकता है और जिनके पास विंडोज नहीं है, मैकिंटोश है, वो यूज कर सकता है। तो उस समय मोस्टली लोग दुनिया में विंडोज यूज किया करते थे, तो मतलब यहाँ पे एप्पल दुनिया के सिर्फ 2% लोगों को टारगेट कर रही थी। धीरे धीरे आईपॉड एक स्टेटस का सिंबल बनने लगा और लोग अपने गाने के प्लेलिस्ट आपस में दिखाना शुरू कर चुके थे। एप्पल यहीं पे रुकने वाला नहीं था, उन्होंने गाने का एक ऑप्शन दिया तो अब उन्होंने गाने के लिए भी एक ऑप्शन दिया। आईट्यून्स उन्होंने बनाया जिसमें से आप गाने खरीद सकते हैं और ये भी मार्केट के लिए एक बड़ा हिट साबित हुआ। यहाँ पे ये एक म्यूजिक इंडस्ट्री का एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करने में लगे थे। एप्पल ने यहाँ पे आईट्यून्स स्टोर भी मार्केट में लॉन्च किया जो कि एक बड़ा हिट साबित हुआ और हफ्ते भर में ही मिलियंस ऑफ गाने बेच दिए गए यहाँ पे। ये एक बड़ा इवेंट था और मैकिंटोश अब और ज्यादा अपना सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे इन्होंने अपना यूएसबी कनेक्टर अलग दिया जिसमें आप गाने काफी जल्दी ट्रांसफर कर सकते हैं, और जो एक नॉर्मल सीडी था वो मार्केट में रिप्लेस होता जा रहा था आईपॉड से। लेकिन दोस्तों अभी भी ये 2-3% ही ऑडियंस को टच कर पा रहे थे। लोग चाहते थे कि विंडोज के लिए भी यहाँ पे स्टीव जॉब्स कुछ करें, और एक और बड़ा इवेंट स्टीव जॉब्स इसके कुछ टाइम में ही करते हैं। इन्होंने विंडोज के लिए लॉन्च कर दिया आईपॉड्स। iTunes for Windows is probably the best Windows app ever written. 6 महीने के अंदर ही स्टीव जॉब्स ने मार्केट को एक बड़ा और सरप्राइज दिया। यहाँ पे इन्होंने विंडोज के लिए भी आईट्यून्स लॉन्च कर दिया। अब ये पूरी दुनिया इसे यूज कर सकती थी,
और यहाँ पे एक ही काफी बड़ा हिट साबित हुआ और 8 महीने के अंदर ही इन्होंने 2.5 करोड़ गाने दुनिया में बेच दिए थे और अब आईपॉड की सेल्स दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। दोस्तों यहाँ पे किस्मत ने भी बहुत ज्यादा एप्पल का साथ दिया और उसी समय पायरेसी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, मतलब गाने की चोरी काफी ज्यादा होती जा रही थी। और नैपस्टर जैसे फाइल शेयरिंग ऐप ने कुछ ही महीनों में करीब 8 करोड़ यूजर्स को जोड़ लिया था, जहाँ पे आप फ्री में गाने पायरेटेड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एप्पल के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और आईट्यून्स अब एक लीगल रास्ता बन गया था कि गाने डाउनलोड करने का एक अफोर्डेबल रेट में। तो यहाँ पे कंपनीज ने अपने गाने डायरेक्ट आईट्यून्स पे ही लॉन्च करने शुरू कर दिए। तो दोस्तों ये म्यूजिक इंडस्ट्री अब डिपेंडेंट होने लगी थी पूरी तरह से एप्पल के सिस्टम के ऊपर। यहाँ पे आईपॉड और आईट्यून्स मार्केट के म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा गैप फिल करने की कोशिश कर रहे थे जो कि पायरेसी ने बना दिया था, और इनको काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा था। वहां की रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री भी पूरी कह रही थी, उनके प्रेसिडेंट्स भी कह रहे थे कि एप्पल एक शाइनिंग स्टार की तरह है इस मुश्किल घड़ी में जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ अभी चल रहा है। धीरे धीरे एप्पल अब और सारे आईपॉड्स लॉन्च करने लगा अपने अपडेटेड वर्जन्स में। एप्पल ने यहाँ मिनी शफल लॉन्च किया और नैनो लॉन्च किया जिसमें स्टोरेज काफी ज्यादा था और इसमें पोर्टेबिलिटी का अच्छा ऑप्शन था। और इसके बाद 2007 में इन्होंने आईपॉड का टच वर्जन लॉन्च किया, मतलब आप टच स्क्रीन के थ्रू आप आईपॉड को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें गेम्स के फीचर्स थे, इंटरनेट का एक्सेस था और एक बड़ी म्यूजिक लाइब्रेरी थी। यहाँ पे आप वीडियोस प्ले कर सकते थे, आप वो सब कुछ कर सकते थे सिर्फ फोन कॉलिंग को छोड़ के। दोस्तों ये मार्केट में एक काफी बड़ा हिट साबित हुआ और उसी साल इन्होंने 80 लाख आईपॉड के पीसेस मार्केट में बेचे। एप्पल की सेल काफी तेजी से यहां बढ़ती जा रही थी मार्केट में। आईपॉड को मार्केट में काफी सारी अप्रिसिएशन मिलने लगे और यहां तक कि विल स्मिथ ने भी कहा कि ये गैजेट ऑफ द सेंचुरी है, मतलब इस पूरे 100 साल के बीच का सबसे बेहतरीन गैजेट ये लॉन्च हुआ है। दोस्तों यहां पे अभी तक एप्पल कंप्यूटर कंपनी थी, लेकिन उन्होंने अब अपना पूरी तरह से चेंज किया और अब एप्पल एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बन गई। और ये साल था अब आईफोन लॉन्च होने का और इसके बाद एप्पल ने आईफोन मार्केट में लॉन्च किया। अब इसमें कॉलिंग फीचर भी आ गया था और जो इनका पूरा म्यूजिक प्लेयर था उसका नाम इन्होंने आईपॉड रख दिया था, मतलब अब आईपॉड एक सेक्शन था इनके पूरे आईफोन के अंदर का। अब इसके बाद दोस्तों आईफोन का राइज और आईपॉड का डिक्लाइन एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड है ये दोनों चीज, क्योंकि इसी के बाद से आईपॉड की सेल्स गिरने लगी और आईफोन की सेल्स उठने लगी थी मार्केट में। और आईफोन लॉन्च होने के 3 साल के अंदर ही इन्होंने आईपॉड को पीछे कर दिया और आईफोन अपनी सेल्स में काफी अब आगे निकलता जा रहा था। एप्पल को भी ये समझ में आने लगा कि इसमें जैसे ही कॉलिंग फीचर ऐड हो गया तो आईपॉड से काफी बेटर हो गया आईफोन, क्योंकि यही इनका अपडेटेड वर्जन था, ये इनका रीइन्वेंशन था और रीइन्वेंशन की हुई चीज ज्यादा मार्केट में चलती है। अब यहाँ पे इन्होंने अपने कुछ जो पुराने आईपॉड्स थे उनको मार्केट में से वापस लेना चालू कर दिया, जैसे कि आईपॉड क्लासिक इन्होंने मार्केट से वापस ले लिया। और इसके बाद साल 2017 तक आईपॉड की सेल गिरते गिरते 2% तक एप्पल की पूरी सेल्स में आ गई थी। तो यहाँ पे इन्होंने अपना जो मॉडल था नैनो आईपॉड उसको भी इन्होंने मार्केट से वापस ले लिया। यहाँ पे टिम कुक ने भी कहा कि आईपॉड की अब सेल गिरती जा रही है तो हम कुछ वर्जन इसके डाउन करते जाएंगे। Apple CEO Tim Cook has explained the company's reasoning for discontinuing the iPod Classic. दोस्तों यहाँ पे अब एप्पल अपना पूरी तरह से फोकस आईफोन पे रखना चाहती थी, अपने आई म्यूजिक पे रखना चाहती थी और अब यहाँ पे एप्पल टीवी पे रखना चाहते थे, ये इनके नए फोकस एरिया थे। तो इन्होंने सोचा कि हम इसको मार्केट से पूरी तरह से बाहर कर देंगे, लेकिन दोस्तों एक सेट ऑफ ऑडियंस मार्केट में अभी ऐसी थी जो सिर्फ गाने सुनना चाहती थी। वो चाहती थी कि अगर वो जिम कर रही है तो उसको कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो मार्केट में, और अगर वो कहीं किसी बच्चे को अगर फोन दिया जाता है सिर्फ गाना सुनने को तो उसमें कॉलिंग का फीचर ना हो। तो एप्पल को यहाँ पे मार्केट में समझ में आया कि आईपॉड की एक छोटी ऑडियंस है जिसको हमेशा जरूरत होती है। तो इन्होंने 2019 में एक अपना नया अपडेटेड वर्जन आईपॉड का लॉन्च किया। आईपॉड टच में अब प्रोसेसर काफी बेहतर कर दिया गया था, स्टोरेज काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया था। तो अब ये एक नया सॉल्यूशन था उन यूजर्स के लिए जो सिर्फ गाने सुनना चाहते हैं या जो सिर्फ वीडियो देखना चाहते हैं, तो एप्पल उनको भी कैटर करना चाहता था, इसलिए इन्होंने इसको मार्केट से अभी तक डिसकंटिन्यू नहीं किया है। दोस्तों आईपॉड एक ऐसा डिवाइस था जिसने मार्केट की नीड को समझा, इसलिए हमने इस वीडियो पे ज्यादा फोकस किया और हमने डिस्कस किया। दोस्तों जो आईफोन बनाया इन्होंने वो आईपॉड का ही एक अपडेटेड वर्जन है। तो आप अगर मार्केट में अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आप हमेशा उसको रीइन्वेंट करने की कोशिश कीजिए। स्टीव जॉब्स वही नहीं रुके आईपॉड बना के, वो आईपॉड को हमेशा बेहतर करते गए कि जैसे सबसे पहला वो बटन वाला आईफोन था वो स्क्रॉल हुआ करता था, उसके बाद उसमें उन्होंने कुछ वीडियो के फीचर्स डाले, फिर उसमें टच डाला, फिर उसमें गेमिंग का फीचर दिया, फिर उसमें इन्होंने इंटरनेट ऐड किया और एट लास्ट जब उसमें कॉलिंग ऐड किया तो उसका नाम इन्होंने आईफोन कर दिया। तो दोस्तों ये रीइन्वेंशन चल रही थी साल 2001 से 2007 तक, इन्होंने चीजें लगातार बदली।
तो एक ये बड़े एंटरप्रेन्योर की कैपेबिलिटीज होती हैं, आपको हमेशा अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग री इन्वेंट करते जाना है, तभी आप मार्केट में अगर आप डूबेंगे भी तो आप ही के अपने ही प्रोडक्ट से आप डूबेंगे, आपका कोई नया प्रोडक्ट होगा वो आपके प्रोडक्ट को पीछे कर देगा। तो ये चीज़ हम सिर्फ एप्पल से सीख सकते हैं, इसीलिए एप्पल मार्केट में आज के डेट में सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। तो दोस्तों आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि एप्पल का ये जो इकोसिस्टम है, ये री इन्वेंशन है, ये आपको कैसा लगता है। इस वीडियो के तो हमारा पूरा फोकस था कि आपको री इन्वेंशन का तरीका सिखाएं, जो कि एप्पल से बेहतर कोई अच्छा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।